हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मौज बहार में होंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी कर रहे होंगे, आपके एग्जामिनेशन बहुत पास है, तो आई होप आप सब घर पे पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जो पढ़ रहा है घर पे उनके लिए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं घर पे उनके लिए, दोनों के लिए अभी काफी ज्यादा काम की चीज होने वाली है। हम अब एक एक करके सारे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, तो ये फ्रूटफुल साबित होगा हर टाइप के बच्चे के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर। बच्चों बताओ फटाफट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर किस नाम से लिखा हुआ है? देखो आपके सामने, हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे को सिखाएगा कि हमारी इकोनॉमी आजादी के वक्त, इंडिपेंडेंस के वक्त कैसी थी। तो बच्चे, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले तो हमारी लंका लगी हुई थी, और लंका किसने लगा रखी थी? ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने, है ना, कॉलोनियल पीरियड ने हमारी लंका लगा रखी थी। तो पूरे चैप्टर में बस यही देखने को मिलता है। तो पढ़ते हैं, क्या मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूं? नहीं बच्चों, मैं बुक से जानबूझ कर करा रहा हूं, ताकि आपको हर टॉपिक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिकॉल होता हुआ चले, और यही हमारा मेन पर्पज है। आप डिटेल में पढ़ने के लिए घर पे आराम से नोट से और बुक से पढ़िएगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर क्या कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन किया गया? हाँ, हमारे देश को टुकड़ों में बांट बांट कर हमारे ऊपर राज किया गया। इसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने हमारे कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करा? एग्रीकल्चर। और बच्चे कुछ बचाने बताने की बात नहीं है, इस सब में आप सबको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा कौन सा सिस्टम? जमींदारी सिस्टम। कभी भी आप अगर जमींदारी सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको तीन वर्ड पता होने चाहिए। एक तो महाजन हुआ करता था, लैंडलॉर्ड हुआ करता था, लैंड का ओनर हुआ करता था, ठीक है, जैसे हम बोलते थे सॉयल का ओनर, ठीक है। दूसरा बेचारा हुआ करता था फार्मर, जैसे हम बोला करते थे सॉयल का टिलर। मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलो, एक होता था सॉयल का ओनर, एक होता था सॉयल का टिलर, और एक हुआ करती थी गवर्नमेंट। तो फार्मर से लैंडलॉर्ड मनचाहा टैक्स का पैसा वसूलता था, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, लैंड रेवेन्यू के नाम पे। किसके नाम पे? लैंड रेवेन्यू के नाम पे, और वो गवर्नमेंट को दिया करता था। बेसिकली लैंडलॉर्ड को गवर्नमेंट को फिक्स पैसा देना था, लेकिन फार्मर से कितना वसूला करता था? एक्सट्रैक्ट किया करता था मनचाहा पैसा लैंडलॉर्ड, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड के बीच में और फार्मर के बीच में कभी अच्छी बनी नहीं, और ये हमेशा लड़ाई होती रहती थी। इसी सिस्टम को बोला गया बच्चों जमींदारी सिस्टम। सब कुछ यही लिखा हुआ है। आगे, क्या कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी हुआ था? हाँ बच्चों, देखो फर्स्ट वाले के अंदर सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर को खराब किया। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम ही है। ये देखो जमींदारी सिस्टम, कोई आपसे पूछे जमींदारी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो हम इसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कई बार इसे पुकारते हैं। इसके अंदर सॉयल टिलर, सॉयल ओनर और गवर्नमेंट की बातें होती हैं। ये जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया, जो सॉयल ओनर है वो मनचाहा टैक्स का नाम पे फार्मर से पैसा वसूलता था। क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी लंका लगी? हाँ बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी खराब हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। हमारे हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, हमारे हैंडीक्राफ्ट की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया। कैसे डिस्ट्रॉय करा, देखते हैं अगले पेज में क्या लिखा हुआ है। फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी। बेटा व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी मतलब जॉब करना ना, ड्यूटी का मतलब हैवी टैक्सेस। एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा लगाए गए हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट मार्केट में दुनिया भर में महंगे हो गए। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज महंगी होगी तो लगातार हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड क्या होती चली गई? कम। इसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। देखो, एक्सपोर्ट करते थे महंगा टैक्स लगाकर, जिससे विदेशों में महंगा हो गया हमारा सामान, लोगों ने हमारा हैंडीक्राफ्ट खरीदना छोड़ दिया। दूसरा, अंग्रेजों ने अपना सामान वहां से इंडिया में लेकर आए बिना टैक्स लगाए हुए, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दी। आने वाले टैक्स को कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, जब आने वाले सामान पे टैक्स लगता है तो उसको फ्री कर दिया, जैसे ब्रिटिश गुड्स इंडिया में सस्ते नजर आने लग गए, जिसकी वजह से हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मार्केट खराब होता हुआ चला गया। आगे, एग्रीकल्चर खराब करने के बाद इंडस्ट्री खराब करी, इंडस्ट्री खराब करने के बाद क्या हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी तहस नहस हो गया? हाँ पढ़िएगा, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी बेसिकली बच्चों क्या होता है? टैक्स पॉलिसी। हमारी टैक्स पॉलिसी जो अंग्रेजों ने हमारे अगेंस्ट यूज करी वो काफी डिस्क्रिमिनेटरी थी, काफी ज्यादा भेदभाव हो रहा था हमारे साथ। हमारा ड्यूटी, अब इस पूरे पॉइंट में ना बच्चों आपको याद आएगा, हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाता था बिना टैक्स लगाए, है ना,
जिससे अंग्रेजों के यहाँ रॉ मटेरियल मिल गया। फिर अंग्रेज अपने यहाँ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया करते थे और वो फिनिश गुड्स बेचने के लिए वापस कहाँ ले आया करते थे, इंडिया में ले आया करते थे, और इंडिया में लाते वक्त भी टैक्स नहीं लगाते थे। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल चला गया और उन गधों ने अपने पास उनका फिनिश गुड्स बनाया, रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके, और फिर उसको वापस इंडिया में लाकर बेचने लग गए। दोनों तरफ से हमारा ही तहस नहस हो गया। एक्सपोर्ट हुआ अच्छी बात थी, लेकिन रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा था, फिनिश गुड्स का होता तो अच्छा होता हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लिखा हुआ है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो रहा था भारतीय रॉ मटेरियल का, ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रियां चलती रहे, और ब्रिटेन में जो गुड्स बन रहे थे, फाइनल गुड्स बन रहे थे, उनको मार्केट चाहिए था ना अपने सामान बेचने के लिए, तो वो सारा सामान उठाकर इंडिया ले आया करते थे, वो भी बिना टैक्स लगाए हुए, बिना ड्यूटी लगाए हुए, जिससे उनका सामान इंडिया में सस्ता मिलने लगा। अरे इंडियन प्रोड्यूसर का सामान बन रहा था 100 रुपए का, वहां पे मशीन से सामान बन रहा था तो जाहिर सी बात है सस्ता बनेगा, और उस पर टैक्स भी नहीं लगाया, तो उसका सामान इंडिया में पहुंच गया 80 रुपए का। अब आप बताओ 100 रुपए का सामान खरीदोगे 80 रुपए का, जिस वजह से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी खराब हो गए, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिटेन के इर्द गिर्द तक ही सीमित रह गया, हम बाकी देशों के साथ ज्यादा व्यापार कर नहीं पाए, हमें करने ही नहीं दिया गया। डन। तो बच्चों इस चैप्टर में मेन तीन ही बातें होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और देन फाइनली इंटरनेशनल ट्रेड। तीनों ही हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, किन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, अंग्रेजों ने। अब बेटा एक एक करके हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जब इंडियन इकोनॉमी को आजादी मिली, मतलब इंडिया को आजादी मिली, उस वक्त हमारे देश के क्या फीचर्स थे, बेटा सबको पता है हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। व्हाट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, थमी हुई, मतलब कोई ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो नहीं रही थी। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। इस स्टैग्नेशन की वजह से, स्टैग्नेशन का मतलब होता है इकोनॉमी का थम जाना, रुक जाना, बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी, जाहिर सी बात है क्या इसकी वजह से गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी, यस। दूसरा, स्टैग्नेंट तो थे, लेकिन स्टैग्नेंट अच्छा होता अगर टॉप पे आकर रुक जाते, हम तो नीचे थे और वहीं पड़े रह गए, तो स्टैग्नेंट के साथ साथ हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी, मतलब क्या लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी या कम थी। पर कैपिटा इनकम का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रति व्यक्ति इनकम, पर पर्सन इनकम काफी ज्यादा थी या काफी कम थी, बच्चों काफी कम थी। और जब पर कैपिटा इनकम काफी कम होगी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, गरीबी, है ना, पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से क्या हो जाएगी, गरीबी। तीसरा बच्चों देखो, क्या एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था या लंका लगी पड़ी थी। और एग्रीकल्चर में आप सबको पता है हमारे देश के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, पेट भरने के लिए, जॉब करने के लिए, इंडस्ट्रीज भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के चैप्टर में आप ये सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर भी काफी तहस नहस था, अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की भी लंका लगा रखी थी। अब सवाल आता है कैसे लंका लगाई, ये हमने पीछे देख लिया था, कौन सा सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तीन पॉइंट बच्चों क्लियर है, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर, हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, थमी हुई थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, हल्की फुल्की ग्रोथ हो रही थी, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती चली गई। दूसरा, बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड मतलब हमारा देश पीछे था, मतलब पर कैपिटा इनकम लोगों की कम थी। तीसरा, एग्रीकल्चर भी हमारा बैकवर्ड था, हर पॉइंट उठाना है, बैकवर्ड था, यही चलेगा इस पूरे टॉपिक के अंदर। अगला देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज भी काफी बैकवर्ड थी, हैवी इंडस्ट्रीज के नाम पे एक दो इंडस्ट्री थी, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। वो तो शुक्र मनाओ टाटा जी का, जिन्होंने टाटा स्टील जैसी कुछ बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी, इसके अलावा बाकी ऐसा बहुत ज्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ना लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, दोनों की लंका लगी पड़ी थी। पांचवा, रैम्पेंट पॉवर्टी, रैम्पेंट मतलब बच्चों फैली हुई पॉवर्टी थी, लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, ये इसके अंदर की बात बोल रहा हूं मैं। और जाहिर सी बात है क्या अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके पीछे का एक मेन कारण रहा होगा, हाँ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार था, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज भी बेकार है, रोड ट्रांसपोर्टेशन बिजली ये सब बेकार था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमें अपना डेली मर्रा की जरूरतों के लिए भी इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ रहा था, दूसरे देश अगर हमारे को सामान बेचते तो हम कुछ काम कर पाते, मशीन वसीन इंपोर्ट करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें इंपोर्ट करने के लिए हम दूसरे देश पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे। बताओ ये अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, सारे फीचर्स नेगेटिव पॉइंट लिखे हुए हैं। और क्या हमारे देश के लोग अर्बनाइजेशन में भरोसा करते थे, नहीं बच्चों, सेम बात इंडिया पाकिस्तान चाइना में भी देखने को मिलेगी लास्ट चैप्टर के अंदर, वहां पे भी आप देखोगे भारत में अर्बनाइजेशन काफी कम था, लोग गांव छोड़कर शहर आना कम चाहते थे, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन कम हुआ, अगर अर्बनाइजेशन ज्यादा होता तो जाहिर सी बात है ग्रोथ होने के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा हो जाते। और एक और पॉइंट, सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी, हमने 7-8 पॉइंट पढ़ लिए, क्या इतने पेपर के लिए ध्यान रखने हैं क्या भाई, पेपर में ज्यादा से ज्यादा 3-4 ध्यान रखने हैं, लेकिन जो ध्यान रखने हैं एकदम अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, सेमी फ्यूडियल इकोनॉमी में
इंडियन इकोनॉमी ना पूरी फ्यूडल थी, ना पूरी कैपिटलिस्ट थी, मतलब ना पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ना पूरे प्राइवेट सेक्टर के, सेमी फ्यूडल था, थोड़ा गवर्नमेंट का भी रोल था और थोड़ा सरकार का भी रोल था, और मेरे ख्याल से सबको पता होगा मिक्स इकोनॉमी थी। हाँ, और लास्ट कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब बच्चों देखना, एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसे मैं बुक से पढ़ा देता हूँ दो दो तीन तीन लाइनें करके, देखो क्या लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों ने हमारे देश को अपनी कॉलोनी बना लिया था। इट इंप्लाइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, उन्होंने हमारे देश को एक्सप्लॉइट करना शुरू करा अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए। मेरे ख्याल से बेटा भाई सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, आपको चार पांच पॉइंट्स तो अच्छे से एकदम दिमाग में बसा कर जाने हैं। पॉइंट क्या चल रहे थे? पॉइंट चल रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, इसमें आप ये भी लिख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा फैली हुई थी, एग्रीकल्चर काफी बेकार था, इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी बेकार था, इंटरनेशनल ट्रेड काफी बेकार था, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन किया गया हमारे देश का, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, ये सारे पॉइंट थे। खत्म। बोलो क्या आराम से लिखा जा सकता है? यस सर, आराम से लिखा जा सकता है। ओके, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली बेटा चैप्टर टू में भी आप डिटेल में पढ़ोगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे जी इंडिपेंडेंस के वक्त पे? तो हमारा प्रोडक्शन भी कम था और प्रोडक्टिविटी भी कम थी, हम लोग नए जमाने की टेक्नोलॉजी, नए जमाने के बीज वगैरह यूज नहीं कर रहे थे और हमारे को खेती करने का तरीका भी नहीं पता था। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, हम लोग रेनफॉल पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, रेनफॉल होता तो प्रोडक्शन होता, रेनफॉल नहीं होता तो सूखे के चक्कर में प्रोडक्शन खत्म हो जाता, ये हमारे एग्रीकल्चर की खास बात थी। तीसरा, खास बात बोले तो नेगेटिव थी लेकिन फीचर्स था। तीसरा, हमारे देश के फार्मर पेट पालने के लिए प्रोडक्शन किया करते थे, उनका कमर्शियल फार्मिंग जैसा कोई आउटलुक नहीं था, आउटलुक का मतलब होता है सोच नजरिया नहीं था, डोमिनेंस था, दबदबा था, कौन सी फार्मिंग का? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, वो लोग वही फसल उगाते थे जिससे उनकी फैमिली की जरूरतें पूरी हो सके, उनकी कमर्शियल सोच जैसी कोई सोच नहीं थी। अगला क्या, जमींदारी सिस्टम तो पूरे एग्रीकल्चर में छाया रहेगा। हाँ जी बच्चों, लड़ाइयां चल रही थी ओनर्स के बीच में बोले तो जमींदार, और टिलर्स के बीच में बोले तो फार्मर, अब भी चल रही है, टीवी में देख लो जाकर खोलकर। और अगला, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, हमारे फार्मर के पास जो जमीन थी वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई थी, अलग अलग जगह पे बटी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ भी नहीं थी। जब जमीन अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जगह पे बटी होती है तो बच्चों एक नुकसान हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, अलग अलग जगह ट्रैक्टर चाहिए, अलग अलग जगह पानी की व्यवस्था, मोटर वगैरह लगवानी पड़ेंगी, फेंसेस लगवानी पड़ेंगे, कुआं खुदवाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। ये हमारे देश का एग्रीकल्चर का एक फीचर था जो कि नेगेटिव फीचर है। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बच्चों इसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसे तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं। जमींदारी सिस्टम के बारे में पूरी बुराई कर देना भर भर के, क्या जबरदस्ती हमसे कुछ चीजों का कमर्शलाइजेशन किया गया? हाँ बच्चों, आपको याद होगा इंडिगो इसका मेन पॉइंट होता है, इंडिगो नील की खेती जानबूझकर हमसे करवाई गई ताकि वहां ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में कलर की कोई कमी ना पड़े, नील कलर करने में कामयाब यूज होता है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से चल सके, इसलिए उन्होंने हमारे देश में जबरदस्ती एग्रीकल्चर में किस चीज का कमर्शलाइजेशन करवाया? इंडिगो का। डन, ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स थे, कब? आज के जमाने में, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं बच्चों ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ही पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ यस सर। इसके बाद स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्टैग्नेशन मतलब हमारा एग्रीकल्चर रुका हुआ था, काहे? क्योंकि गल्फ था, गल्फ मतलब खाई, लड़ाई चल रही थी ओनर्स के बीच में और टेलर्स के बीच में, बोले तो फार्मर और जमींदार। दूसरा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बेटा सबको पता है कमर्शलाइजेशन का, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया गया, लेकिन सिर्फ सारी चीजों का, राशन, दाल, आटा, इन सब का ना, उन चीजों का जो अंग्रेजों के लिए जरूरी था, बोले तो इंडिगो। ठीक है, तो ये बात बेसिकली अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। फिर क्या बच्चों, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी तबाह कर रखा था इन नलायकों ने। हाँ, सबसे पहला हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को डीके करा गया। डीके का मतलब होता है बच्चों सड़ना, खराब हो जाना, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सड़ा के धर दिया। किन लोगों ने सड़ा के धर दिया? अंग्रेजों लोगों ने, है ना, मेरे ख्याल से। हाँ, अभी क्लियर है। तो देखते हैं, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइडेड विद द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहाँ पे वो हमारे को लूट भी रहा था और वहां पे वो अपने देश में ग्रोथ भी किए जा रहा था, तो इससे हुआ क्या, हमारे को लूट के ही अपनी ग्रोथ कर रहा था, सोने की चिड़िया थी ना, हमारे को लूट के खा गए, कौन? अंग्रेज। तो यही सब था बच्चे, इसके अंदर वही टैक्स फ्री की बातें करनी है, यहां से हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाता था बिना टैक्स लगाए ताकि वहां सस्ता पहुंचे, फिर वहां से फिनिश गुड्स इंडिया ले आया था बिना टैक्स लगाए, बिना इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, ताकि उनका सामान हमारे इंडियन मार्केट में सस्ता मिले, दोनों तरफ से हमारे बैंड बजी हुई थी। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों देखते हैं, हमारे प्रिंसली कोर्ट्स का डिसअपीयरेंस हो रहा था, ये तो पहला पॉइंट हो गया था जो भी हम पढ़ रहे थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी काफी खराब थी। दूसरा भाई, प्रिंसली कोर्ट्स मतलब राजा महाराजा नवाब वबाब, ये हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट चीजों के काफी फैन हुआ करते थे,
लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने, राजा महाराजा खत्म हुए, उनकी प्रथा खत्म हुई, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म हो गई। हमारे तीसरा पॉइंट बोलने जा रहा हूं, हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट को कौन से प्रोडक्ट से कॉम्पिटिशन मिला? मशीन मेड प्रोडक्ट से। मशीन मेड प्रोडक्ट देखने में भी सही लगता था और बेसिकली कह सकते हो आप कॉस्ट भी उसकी कम आया करती थी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज की लंका लग गई। और चौथा, हमारे देश के लोगों ने नया पैटर्न ऑफ डिमांड सीख लिया, हम वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग गए, जो कि जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री, हमारे देश का जो ट्रेड था वो थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा खराब होने लग गया। और अंग्रेजों ने रेलवे का इंट्रोडक्शन करा, रेलवे का इंट्रोडक्शन करने से बच्चों फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, अंग्रेजों को हमारे देश को लूटने में आसानी हो गई। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की लंका इन 4-5 पॉइंट की वजह से लगी। फिर अगले पॉइंट में बच्चों ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक मतलब होता है बच्चों मध्यम, हल्की हल्की, आप खोलते हो ना तो उसे बोलते हैं मध्यम, हल्की हल्की ग्रोथ हुई मॉडर्न इंडस्ट्री की, लाइक पेपर इंडस्ट्री, लाइक स्टील इंडस्ट्री, लाइक टाटा इंडस्ट्री, लाइक सुगर सीमेंट इंडस्ट्री, हल्की फुल्की ग्रोथ होना शुरू हुई, लेकिन ये बहुत कम थी। डन। और इसके पीछे आप मेन, अगर कोई आपसे पूछे हल्की फुल्की ग्रोथ भी कैसे हो गई भाई, सब तो बुरा हो रहा था, तो आप बोलोगे वर्ल्ड वॉर वन की वजह से और वर्ल्ड वॉर टू की वजह से पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज होना शुरू हुई स्टील की, क्योंकि उससे गन्स वगैरह बनती थी, खाने पीने की शॉर्टेज हुई, तो भारत में इस चीज का प्रोडक्शन हुआ। तो भारत में जब इस चीज का प्रोडक्शन हुआ तो हल्की फुल्की इंडस्ट्रीज ग्रोथ करना शुरू हो गई। तो देखो वॉर की वजह से भी ग्रोथ हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, आपके सामने इस चीज का नमूना जीता जागता रखा हुआ है। इसके अलावा बच्चों ये मैं क्या करवा रहा हूँ समझ में आ रहा है, पूरे पूरे चैप्टर का कोशिश कर रहे हैं कि सारे पॉइंट्स को आपके सामने रख सके। अगला, फॉरेन ट्रेड की लंका लगाई थी। देखो हमारे देश से क्या ले जाता था, प्राइमरी प्रोडक्ट बोले तो बच्चे रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स, दोनों ही तरफ से हमारी बैंड बज रही थी। ये पॉइंट बच्चे 5 बार बोल चुका हूं मैं जब से हमारा लेक्चर शुरू हुआ है। अगला, मोनोपोली कंट्रोल था, हमारे देश का लगभग 50% से ज्यादा ट्रेड कौन से देश के साथ चल रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन हमारे को दूसरे देशों के साथ लेन देन करने नहीं दे रहा था। बच्चों इसमें आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज का भी चर्चा कर सकते हो, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती है जिसके ऊपर ब्रिटेन ने राज करा था, ब्रिटेन का शासन चलता था, उनके देश उन्हीं सबके साथ हमारे को व्यापार करने दिया जाता था, आमतौर पर बाकी देशों के साथ हमारे को व्यापार करने नहीं दिया जाता था। तो मोनोपोली कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड के ऊपर अंग्रेजों का। हमारे देश में सरप्लस तो हो रहा था, लेकिन ये सरप्लस भी जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था वो सब सरकार अपने ब्रिटेन अपने अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। लाइक जो भी सरप्लस का पैसा आया सरकार इसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में लगा रही थी, और दूसरा अंग्रेज इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वॉर लड़ा करते थे, युद्ध लड़ा करते थे, वहां पे पैसा चला जाता था। तो बेसिकली फायदा तो हो रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन वो भारतवासियों के जगह अंग्रेज वासियों के काम आने लग गया। इसके अलावा बच्चों अगला पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो बच्चों बहुत बुरे हालात थे, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफी ज्यादा थे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों की 1 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर भी काफी बेकार थी, मतलब काफी ज्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन जीने का दर भी काफी कम था। ये सब ये दिखा रहा है कि हमारा हेल्थ सेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं था। और लिटरेसी रेट बच्चों आज इतना खराब है तो उस जमाने में तो लंका लगी पड़ी होगी, लिटरेसी रेट काफी बेकार था और फीमेल लिटरेसी रेट तो और ज्यादा बेकार था। समझ में आ रही है सारी बातें? 18 मिनट लगभग होने वाले, ये चैप्टर भी लगभग हमारा होने वाला है। मैं कोशिश फिर से बोल रहा हूँ, आप इस चैप्टर को अब या तो उठा लो, या तो उठा रखा है तो ये देख लो, आप कैसे भी पढ़ो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपके काम आने वाली है। पूरा पढ़कर ये रिविजन देख लो, या ये रिविजन देखकर पूरा पढ़ लो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में कामयाब रहेगा। आगे बच्चों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, याद करो बच्चों 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इससे पहले हमारी पॉपुलेशन कभी ज्यादा कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हुआ करती थी, लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन लगातार ऊपर रॉकेट की तरह बढ़ी, इसलिए हम उसे बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये एक नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बच्चों को बताने की बात नहीं है। व्यवसाय ज्यादातर लोग कौन से सेक्टर में लगे हुए थे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का, अराउंड 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। लेकिन बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है, बेसिक एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा लगे हुए थे लेकिन स्टिल इसका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन काफी कम था। दूसरा, इंडस्ट्री क्या सिग्निफिकेंट सोर्स था या इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट। ऑक्यूपेशन हमारे देश में व्यवसाय करने के लिए इंडस्ट्री तो बहुत ही कम थी, 10-12-8-7% ही लोग इसके अंदर लगे हुए थे। परसेंटेज लिखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, 9% वाला डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अनबैलेंस ग्रोथ थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी पीछे था, बोले तो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर हल्का फुल्का अपने हाथ पैर फैला रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत आगे था, मतलब तीनों में कोई बैलेंस ग्रोथ नहीं थी, अनबैलेंस ग्रोथ थी, खत्म। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों पता है क्या है चैप्टर, इसमें ना सारे टॉपिक को छू देता है,
हर टॉपिक की बात कर देता है फर्स्ट चैप्टर में, जो आगे आने वाली पूरी बुक के अंदर होता है। तो ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, बिजली आती है, बैंक आता है, इंश्योरेंस आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बच्चों आता है हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, घर रहना सहना ये सब कुछ आता है। दोनों ही खराब था, खत्म। आगे मतलब इकोनॉमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार था और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बेकार था। देखो, अंग्रेजों ने रेलवे का विकास तो करा, लेकिन खुद को उनको हमारे देश को लूटने में आसानी हो, इसलिए ताकि उनका फिनिश प्रोडक्ट देश के कोने कोने तक पहुंच सके और हमारे देश के कोने कोने से रॉ मटेरियल उनके देश में पहुंच सके। दूसरा, पोस्ट बनवाए गए, लेकिन फिर अगेन उन्हीं के देश से लेन देन करने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ बोले तो कम्युनिकेशन का धीरे धीरे विकास किया गया। रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा ठीक किया गया, वही ना, ट्रक के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से कोने कोने तक अंग्रेजों का सामान पहुंचाया जा सके। तो इस पॉइंट में ना, सिर्फ इस पॉइंट में हल्का सा वो लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव पॉइंट लिखा है कि हाँ, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखा था, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार होता ना तो उनको हमारे देश को लूटने में दिक्कत आती है ना, सामान पहुंचाने में दिक्कत आती। तो उन्होंने सोचा चलो रेल बनवा देते, आराम से कोने कोने तक हमारा सामान बिकेगा। जब उनका सामान बिकेगा तो जाहिर सी बात है उनका फायदा होता। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए हमारे देश में रेलवे का और रोड्स का और कम्युनिकेशन का इन सब का वो डाला, कंस्ट्रक्शन करवाया। इसके अलावा क्या अंग्रेजों का हमारे देश में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट था? हाँ बच्चों, हमारे फार्मर्स की नजरिया बदल दिया। पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग नजरिया था, अब कमर्शियल आउटलुक होने लग गया। ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे फार्मर्स की सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाली सोच बदलने लग गई। अब वो लोग मार्केट के लिए उगाना सोचना शुरू करने लग गए। दूसरा, क्या एम्प्लॉयमेंट के रास्ते बढ़े? बच्चा देखो, रोड बनेगा, ट्रांसपोर्ट बनेगा, रेलवे बनेगी, पोर्ट बनेगा, तो रोजगार तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तीसरा, तो रोजगार बढ़ गया। तीसरा, अंग्रेजों का क्या फायदा हुआ? हमारे देश में पहले अकाल बहुत पड़ा करते थे, मारामारी बहुत मचा करती थी, तो उन फेमाइंस को कंट्रोल करने में भी आसानी हो गई, क्योंकि अब हमारा ट्रांसपोर्ट थोड़ा तेज हो गया था। तो ये अंग्रेजों का तीसरा फायदा। अंग्रेज आए तो मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी काफी अच्छा हो गया, ये भी एक अंग्रेजों का फायदा। और अंग्रेजों ने हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखा दिया, देश को चलाना सिखा दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम भी अंग्रेजों की देन ही थी कह सकते हो आप। अंग्रेजों की वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो ये चार पांच फायदे पेपर के लिए बच्चों काफी काम के। इसके अलावा रेलवे का पॉजिटिव इंपैक्ट, डोमेस्टिक मार्केट हमारा बढ़ गया। देखो, मुंबई में बैठा हुआ या फिर हरियाणा में बैठा हुआ या पंजाब में बैठा हुआ कोई फार्मर, क्या आप दिल्ली में अपना सामान बेच सकता है? हाँ, बेच सकता है, रेलवे, थैंक्स टू रेलवे। दूसरा, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन हो गया। पहले पंजाब का फार्मर से सोचता होगा वहीं पंजाब में बेच पाएगा, लेकिन अब वो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, हर जगह जाकर बेच रहा है ना। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो रहा है। डिस्टेंस का बैरियर, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने पे लोग बहुत सोचा करते थे, लेकिन रेलवे के आने की वजह से जो बैरियर था, डिस्टेंस का जो बैरियर था, वो टूट गया। और अगला, गुड्स का फास्टर मूवमेंट हो गया, जिससे फेमाइंस या अकाल वगैरह कंट्रोल करने में आसानी हुई। तो भारत में रेलवे के ये चार पांच पॉजिटिव इंपैक्ट थे। नेगेटिव इंपैक्ट सिर्फ एक ही, अंग्रेजों को लूटने में आसानी हुई। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। फिर उसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर टू शुरू। मुझे उम्मीद है चैप्टर नंबर वन का मैंने हर पेज कवर करा है। कोशिश करिए हर पॉइंट को मैं आपको बोल दूं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर कुछ और डिटेल में पढ़ना है या और तेजी से करवाना है तो प्लीज मेरे को सजेस्ट करो, ताकि मैं अगली क्लासेस में उस चीज के ऊपर सोच सकूं, है ना। चलिए, अभी फटाफट पढ़ते रहिए, कुछ नया 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 पढ़ते रहिए। बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, टारगेट करना है 95+, और आराम से अभी जाएंगे। बस सिंसेरिटी चाहिए, एक महीना झिक कर पढ़ लो। ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। बाय बाय।